क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3.5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2.5 एंड -3.6। तो कोई एक लाइन है जो कि -3.5 से पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलर है किस लाइन के, इस लाइन के 2.5 एंड -3.6 इस लाइन के परपेंडिकुलर है और वो पास हो रहा है -3.5 से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लें। तो फिगर ड्रॉ करने के बाद एक विजुअलाइजेशन आ जाएगा कि जैसे देखिए इसका स्लोप फाइंड करना है इस लाइन का। तो क्या चाहिए, एक इस लाइन का स्लोप चाहिए, इक्वेशन निकालना है तो स्लोप चाहिए और वन पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट -3.5 जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और एम चाहिए किसी तरह। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो आपस में तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1, ये आपको पता होगा। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं m1, तो इसका स्लोप आ जाएगा तो m1 इक्वल्स टू होगा 6 -5 / -3 -2, तो -1/5। तो m1 × m2 क्या होता है, -1, और m1 आ गया मेरे पास -1/5 × m2 = -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, m2 = आ गया मेरे पास 5। यानी कि इसका स्लोप आ गया 5। तो अब एक पॉइंट x1, y1 ऑलरेडी गिवन है -3.5। तो अब इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y-y1 = m(x-x1), तो y-5 = 5 × x+3, तो y-5 = 5x+15, 5x-1 + 20 = 0। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1.0 एंड 2.3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो एक लाइन है जो कि पास करती है 1.0 और 2.3 से, तो इसकी एक लाइन परपेंडिकुलर है जो कि इस लाइन को 1:n रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमको इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या चाहिए, दो चाहिए, स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो अगर ये पॉइंट आ जाए तो ये पॉइंट तो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट आ जाएगा और स्लोप तो आ ही जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो चलिए पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m2। तो वी नो दैट
एम वन इंटू एम टू इक्वल्स टू माइनस वन एंड एम वन इक्वल्स टू थ्री माइनस जीरो अपॉन टू माइनस वन थ्री अपॉन वन। तो एम टू आ गया मेरे पास माइनस वन बाय थ्री, ठीक है। तो इसको आप सेव कर लीजिए, इसका आगे काम आएगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। तो एक्स वाई इक्वल्स टू एम, तो एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन कॉमा थ्री अपॉन एन प्लस वन, इसका कोऑर्डिनेट्स ये होगा। तो अच्छा ये कैसे आया, तो क्या होता है अगर कोई लाइन है, ठीक है, तो एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू और ये कोई एक लाइन पॉइंट, इस पर पॉइंट ले लेते हैं जो इसको एम इज टू एन में डिवाइड करता है। तो वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये होता है। तो बस वही हम किए हैं यहाँ पर। मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया एन के फॉर्म में, ठीक है। तो एन क्वेश्चन में ही गिवन है इसलिए एन को एलिमिनेट नहीं करना है। तो मेरा इक्वेशन जो आएगा वो एन एन के फॉर्म में ही आएगा। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया एक्स कोमा एक्स वन कोमा वाई वन और एक स्लोप तो आ ही गया है। तो अब हम इसे इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो मेरे पास एक जो पॉइंट आया वो आया है एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन कोमा थ्री अपॉन एन प्लस वन और स्लोप आया है माइनस वन बाई थ्री। तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस थ्री अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री एक्स माइनस एन प्लस टू अपॉन एन प्लस, ठीक है। तो थ्री को इधर से एंड करेंगे थ्री इंटू वाई माइनस थ्री अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन। तो थ्री एन प्लस वन y माइनस नाइन अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू एन प्लस वन माइनस एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन। तो एन प्लस वन एन प्लस वन कैंसिल। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री एन प्लस वन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू एन प्लस वन इक्वल्स टू अच्छा ये माइनस तो इसके होल पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जब बाहर निकलेगा तो माइनस में ही रहेगा और इधर सेंड करेंगे एलएचएस में तो प्लस में हो जाएगा, बट जब ये बाहर निकलेगा ब्रैकेट से तो प्लस हो जाएगा प्लस एन प्लस टू और ये नाइन है इधर तो इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा प्लस नाइन। तो थ्री इंटू एन प्लस वन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू एन प्लस वन इक्वल्स टू एन प्लस अलेवन, ठीक है।
ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस पार्ट है, ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।